शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, पढ़ा है और कुछ कुछ लोग इसको यूज भी करते हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर हम लोग देखते हैं कि 99% लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, इसको सुनकर बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि वाह हम लोग ये अचीव करेंगे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ये कार्य नहीं करता है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी चार बातें बताऊंगा जिसके कारण हम जीवन में जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं, वो हमको मिल नहीं पाता है। और वो चार बातें दोस्तों कहीं बाहर से रिलेटेड ही नहीं, वो हमारे अपने ही विचारों से रिलेटेड है। इन चार बातों को यदि हम छोड़ देते हैं दोस्तों या चेंज कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपको सक्सेस के पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा, सक्सेस आपके पीछे ऑटोमेटिकली दौड़ती हुई आएगी। लाइक अ मैग्नेट आप अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे, या यूं कहेंगे सक्सेस और आपका चोली दामन का साथ दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में दो ही लाइनों में बता देता हूं। जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना हो, आज साइंटिफिक स्टडीज बहुत सुंदर रूप से बताते हैं दोस्तों कि हमारी सोच ही ब्रह्मांड के द्वारा हम जो चाहते हैं वो हमको प्राप्त करा सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ABR फिनोमेना के नाम से दोस्तों जाना जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको जीवन में जो भी चाहिए वो आप मांगिए, खुले दिल से मांगिए, जिसको हम कहते हैं A for ask। आपको सक्सेस चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको जीवन के अंदर खुशी चाहिए। जो भी चीज आप इस यूनिवर्स से, परमात्मा से चाहते हैं दोस्तों, उसको खुले मन से, खुले दिल से आह्वान करिए, उसको लिख दीजिए, अपनी कॉपी पर लिख दीजिए, रोज अपने माइंडसेट पर लिख दीजिए, अपने नोटिस बोर्ड पर लिख दीजिए, जहां पर लिख दीजिए उसको मेंशन करिए। दोस्तों दूसरा स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बिलीव, बी फॉर बिलीव, यानी जो चीज आपने मांगी है उस मांगने के ऊपर विश्वास रखिए कि वो मेरी तरफ ऑलरेडी आ रही है, इट इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, जिसको हम कहते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ इट इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे। सोचिए कि अभी मैं घर से बाहर निकलूंगा, मेरी सक्सेस मेरा वेट कर रही है, मैं दरवाजा खोलूंगा, मेरे लिए सब कुछ मेरा वेट कर रहा है, जो मैं चाहता हूं वो ऑलरेडी मेरे लिए होने ही वाला है। दोस्तों वो ऑलमोस्ट एक कदम, एक संकल्प की दूरी पर है। अक्सर लोग जीवन में क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वो कहते तो हैं कि उसके लिए तो काम कर गया, पता नहीं मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों अपने ही संकल्पों में जब तक हम विश्वास का, दृढ़ संकल्प का घृत नहीं डालते हैं, बिलीव नहीं करते हैं अपने ऊपर, तो हमारी सक्सेस हमारे पास दोस्तों आ ही नहीं सकती। इसलिए दूसरा मोस्ट पावरफुल स्टेप है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने संकल्प पर विश्वास रखते हैं तो जो भी चाहें वो आप अचीव कर सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आज एक नहीं, दो नहीं, लाखों ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया अपने संकल्पों के द्वारा। और दोस्तों तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए, सक्सेस को रिसीव करिए, मैग्नेट को रिसीव करिए। जब आपने मांगा, आपने अपने ऊपर विश्वास रखा दोस्तों, तो स्वीकार करने के लिए भी अवेलेबल रहिए, वो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचती हुई, अट्रैक्ट होती हुई चली आएगी। दोस्तों ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वंडरफुल पावरफुल मैकेनिज्म। दोस्तों इसके बारे में मैं कभी आपको और भी डिटेल बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में कभी कभी नहीं अनुभव कर पाते हैं। ऐसी क्या चार बातें हैं जो हमारी आती हुई सक्सेस को हमसे दूर ले जाती हैं, जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, हमें दिख रहा है वो होने वाला है, फिर भी वो हमसे दूर होता चला जाता है। इसके मुख्य चार कारण हैं दोस्तों, और सबसे पहली आदत, सबसे पहली जो नेगेटिव बात है वो है दूसरों के बारे में बात करना। दोस्तों आप कहेंगे ये बात, जी हाँ, आप नहीं जानते कि जब एक व्यक्ति जो अपने जीवन में फोकस है, अपने टारगेट पर फोकस करता है, यदि वो अपनी एनर्जी को दूसरों के बारे में बात करने में लगाता है दोस्तों, तो वो अपनी एनर्जी स्टेट को लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। जब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं तो बार बार कंप्लेन करना, बार बार क्रिटिसिज्म का आना दोस्तों, ये हमारी आदत बन जाती है। कहते हैं ना कि स्मॉल पीपल विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स, इंटरमीडिएट पीपल विल डिस्कस अबाउट पीपल, एंड ग्रेट पीपल डिस्कस अबाउट ओनली आइडियाज। दोस्तों अगर अपनी लाइफ में पीपल फोकस्ड
अप्रोच से हटकर हम लोग आइडिया फोकस्ड अप्रोच पर जाते हैं। लोगों की बातें नहीं, लोगों के एटीट्यूड से हम डिस्टर्ब नहीं होते, बार बार उसके बारे में कंप्लेन नहीं करते, तो हमारा मन हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज पर ही रोटेट करता रहता है। हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज यानी फोकस है, मेमोरी पावर है, अटेंशन है, लव है, सक्सेस है, जो हम जीवन में अचीव कराएं, दे आर ऑल हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। और कंटिन्यूसली उस एरिया पर वाइब्रेट करने के कारण यही एनर्जी हम बाहर रेडिएट करते हैं, और इसी एनर्जी को रेडिएट करने के कारण यही हमारी यूनिवर्स हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है। यूनिवर्स को हम जिस प्रकार की एनर्जी देंगे दोस्तों, वही एनर्जी वो वापस हमारी तरफ फेंकेगा। यही यूनिवर्स का रूल है। तो इसलिए लोगों के बारे में बात करना, उन सिचुएशंस के बारे में नेगेटिव डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स को बार बार दोस्तों लोगों को बार बार डिस्कस करना, ये हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों जीवन के अंदर यदि हम सक्सेस चाहते हैं, जो हम चाहते हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है हमारा फोकस हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए। ग्रेट लीडर्स विल नॉट डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स। वो हमेशा जानते हैं कि हर प्रॉब्लम अगर आती है उसके साथ एक सॉल्यूशन अटैच्ड होता है। तो दोस्तों कभी कभी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते हुए, जो प्रॉब्लम व्यक्तियों से ओरिजिनेट होती है, किसी सिचुएशन से ओरिजिनेट होती है, हम अपने प्रेजेंट के अंदर पावरफुल मैनिफेस्टेशंस को भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कार्य कराना चाहते हैं, वो अपने पास्ट को कभी भी प्रेजेंट में ना लेकर आए, और अपने प्रेजेंट को दोस्तों फ्यूचर के अंदर हमेशा मैनिफेस्ट करें। कई लोग बोलते हैं कि आप ऐसा सोचिए कि वो आपके लिए होने वाला है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्टेप और भी आगे जाकर ये कहता है कि आप सोचिए कि वो ऑलरेडी हो चुका है। मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए ही नहीं, आप तो ये सोचिए कि ये तो सॉल्व हुई ही पड़ी है, इसके अंदर तो कोई चैलेंज है ही नहीं, ये व्यक्ति तो इजी है ही है। उसके लिए कभी भी नेगेटिव भावना को, नेगेटिव सिचुएशंस को अपने मन में कभी भी मत लेकर आइए। और फिर देखिए दोस्तों, जब हम प्रॉब्लम फोकस अप्रोच को हटा देते हैं, तो हर सॉल्यूशन सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके सामने नेचुरली आता चला जाता है। ये है हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को अपनी लाइफ में जनरेट करना, हाई फ्रीक्वेंसीज पर अपने आप को रोटेट करना, वाइब्रेट करना। दोस्तों तीसरी जो नेगेटिव आदत जो हमारी सक्सेस को, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे लिए कार्य नहीं कराती है, वो है हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखना, आस्किंग फॉर रिजल्ट, क्या ये हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक चीज कहता है कि आप अपने कर्म पर ध्यान रखिए। यू डू अ पावरफुल कर्मा। आप अगर कर्म आपका श्रेष्ठ है तो उसका फल आपको प्राप्त होकर ही रहेगा दोस्तों। इसलिए ये कॉज एंड इफेक्ट फेनोमेना जब हम ध्यान में रखते हैं, तो हमारा रिजल्ट से फोकस हटकर अपने आप को इंप्रूव करने में हमारा ध्यान चला जाता है। कई लोग सोचेंगे कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर मोहित आपने सॉल्यूशन दिया, मैंने 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, फिर मैंने किसी और के लेक्चर को सुना, फिर मैंने उस किताब को पढ़ा, फिर मैंने इस चीज को भी प्रैक्टिस किया, अब मैं क्या करूं, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। और मैं केवल एक लाइन का उत्तर देता हूं, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, बस दैट्स ऑल। दोस्तों बातें वही हैं, लेकिन अपने आप से पूछे कि मेरी अप्रोच, मेरा ध्यान किस तरफ है, क्या मेरा रिजल्ट फोकस्ड अप्रोच है, क्या मेरा जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम फोकस्ड है, किस तरफ मेरा फोकस है। दोस्तों अगर हम जीवन के अंदर सक्सेस को चाहते हैं, तो केवल मुझे अपने कर्म पर ध्यान देना है, एंड रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। आप अगर अच्छा कार्य करेंगे, अगर आपका अटेंशन रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस परफेक्ट रहेगी, अब वो आपको 100% रिजल्ट लाकर देगी ही देगी। दोस्तों एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 21 दिन, या कभी थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी को बना कर रखिए। एक भी दिन अपने मन में नेगेटिव भावना को मत लाइए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। और दोस्तों चौथी बात जिसको हमें हमेशा के लिए छोड़ना है, यदि हम अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कार्य कराना चाहते हैं, उसके मैजिक को अनुभव करना चाहते हैं, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों सेल्फ टॉक के बारे में जानते हैं, कभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों ये सेल्फ टॉक है जो हम अपने आप से ही अपने मन में बातें करते रहते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति किसी ना किसी फॉर्म में सेल्फ टॉक करता है।
कभी कभी देखा गया है कि 90-95% लोग सिचुएशंस और परिस्थिति में अपने लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, और ये नेगेटिव सेल्फ टॉक दोस्तों हमें बहुत हार्म करती है, हमारी एनर्जीज को समाप्त करती है, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति, हमारी कार्य करने की शक्ति, हमारी डिसीजन लेने की शक्ति, हमारी याददाश्त की शक्ति दोस्तों, इन सब को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। जब हम अपने मन के अंदर अपने आप को बार बार कहते हैं कि पता नहीं, लगता नहीं तुम ये कर पाओगे, लोग कहते हैं लेकिन ये मुश्किल है, इस तरफ ध्यान मत दो, तुम वापस अपने कंफर्ट जोन में जाओ, अपने उसी थॉट प्रोसेस में जाओ, तुम्हें अपने थॉट प्रोसेस को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज हर एक के लिए कार्य नहीं करती, तुम अपनी लिमिटेशंस को समझो। दोस्तों लोग अगर ये कहते हैं कि अपनी चादर से बाहर पैर मत बिछाओ, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई चादर ही बदल डालो, बड़ी चादर लो और अच्छा सोचो। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अपने थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली चेंज कर दो, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में चेंज करो। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये शक्ति तुम्हारे लिए ही है, सक्सेस तुम्हारा वेट कर रही है, बस एक कदम और बढ़ाना है। तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल है जो किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं। तुम्हें अपने आप को रोज आगे बढ़ाना है, अपने रिकॉर्ड्स को ही बीट करना है। तुम बहुत कैपेबल हो, तुम्हारी मेमोरी पावर, तुम्हारी डिसीजन पावर यूनिक है, पावरफुल है, परमात्मिक शक्ति तुमको एक यूनिक व्यक्ति, एक यूनिक इंसान बनाती। दोस्तों जब बार बार ये पॉजिटिविटी का इंजेक्शन हम अपने माइंड में फीड करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से हमारे लिए कार्य करता है। इसकी स्पीड 1-2-3 गुना नहीं दोस्तों, हजारों मिलियन गुना बढ़ जाती है, और उस चीज को तेजी तरीके से वो हमारी तरफ खींचता है। ये है हमारी पॉजिटिव एनर्जी का रॉकेट फ्यूल, प्योर फ्यूल। दोस्तों संकल्प दोस्तों हमारे फ्यूल, हमारे एक एनर्जी का काम करते हैं, और ये चार बातें उस फ्यूल को पॉल्यूट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों कोई और मैजिक नहीं है, हमारे संकल्पों की ही वाइब्रेशनल एनर्जी है, और ये चार नेगेटिव एनर्जीज हमारी इस संकल्पों की एनर्जी को बहुत कम कर देती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं और जितना चाहते हैं, उसको यदि आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मुश्किल नहीं है, आप बस ब्लिंक करेंगे और वो आपके सामने होगा। केवल लोगों के बारे में बात करना छोड़िए, प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच को हटाइए, केवल रिजल्ट्स के बारे में चिंता करना छोड़िए दोस्तों, और नेगेटिव सेल्फ टॉक को सदा के लिए समाप्त कर दीजिए, और जो चीज चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए कि ये मेरे लिए हुई ही पड़ी है, हो चुकी है, केवल मुझे एक कदम बढ़ाना है। और फिर देखिए दोस्तों, पढ़ाई में बच्चों की सक्सेस, बिजनेस में आपकी सक्सेस, आपके कार्य में आपकी सक्सेस, दोस्तों हर चीज आपके लिए मैजिक की तरह होगी। दोस्तों केवल 3 दिन के लिए अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर दीजिए, लिखिए एक डायरी लेकर, रोज लिखिए कि सक्सेस मेरी होगी ही, मेरा इंतजार कर रही है, मुझे कदम बढ़ाना है, मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, और मैं समर्थ हूं, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूं। फिर आप देखिए दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए मैजिक क्रिएट करेगा। दोस्तों इसकी सक्सेस स्टोरीज, इसके पावर जो है, मैं आपको आगे के एपिसोड्स में जरूर आपके सामने दोस्तों रखूंगा कि इस एपिसोड को कैसे, इस शक्ति को कैसे मैंने अपनी लाइफ में भी यूज किया। शुक्रिया दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों ये मैजिकल छोटी छोटी सी बातें आपके अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत कर देती हैं। 3T सीरीज टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म का केवल एक ही है कि हमारा मन और हमारे मन की जो शक्तियां हैं उसको हम पहचाने, उसको रियलाइज करें, और अपने जीवन को सदा सदा के लिए दोस्तों श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना दे। शुक्रिया दोस्तों, ओम शांति।